हेलो 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 एंड वेलकम। ई सरल है तो सब सरल है, ई सरल है तो सोशल साइंस भी सरल है। आई होप आप लोग बहुत बहुत मजे कर रहे हैं इन स्टडीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा सिविक्स का एक चैप्टर। सिविक्स यानी कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि हम लोगों को सिखाता है कि आसपास की जिंदगी में क्या चल रहा है, उसे मीनिंग कैसे डिराइव करते हैं। 8th क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या राइट्स देता है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ समझते हैं, उसके की फीचर्स समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। अब देखो, एक की फीचर था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि था सेक्युलरिज्म। उस टाइम पर हम लोगों ने सिंपली ये समझा था कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हमारी कंट्री का जो स्टेट है, जो हमारा पावर है, हमारा वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हमारी टेरिटरी में हमारी कंट्री को सॉवरिन बनाता है, यानी कि एक ऐसी जगह बनाता है जहां पर जो रूल होगा वो इंटरनली ही होगा, लोगों का, सिटीजन्स का ही होगा। इसका एग्जाम्पल मैंने ऐसे दिया था कि हम लोग क्या लाइफ में पड़ोसियों से पूछते हैं कि आज हम कौन सी सब्जी बनाएं, आप बता दीजिए, नहीं पूछते ना। तो हमारे इंटरनल मैटर्स को एज वेल एज हम लोगों को बाहर जाकर क्या खाना है, हमारे एक्सटर्नल मैटर्स को हम खुद सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से एक सॉवरेन में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स को हम खुद ही एज अ यूनियन, एज अ सॉवरेन सॉल्व करते हैं। तो ये है स्टेट की डेफिनेशन। इसीलिए पॉज लेकर समझाई है डिटेल में, क्योंकि बार बार हम इस शब्द का यूज करेंगे। स्टेट, स्टेट और गवर्नमेंट अलग है ना। तो ये स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि राजस्थान की गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट, नहीं, ना ही ये इंटरचेंजेबली वर्ड गवर्नमेंट के साथ यूज हो सकता है। स्टेट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, पूरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्टेट का पार्ट होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या देखेंगे अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म में, पांच इंपॉर्टेंट चीजों को, पांच इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़ेंगे। उस टाइम पर हमने कहा था कि सेक्युलरिज्म वो होता है जब हमारा जो स्टेट है उसका कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। आज हम लोग सेक्युलरिज्म को टक 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 करके तोड़ेंगे, डिटेल में से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म के ना पांच इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं पूरे चैप्टर के। तो अभी एक मिनट के लिए रुककर इन पांचों पार्ट्स को समझ लो। सबसे पहला जो पार्ट है वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे इसकी डेफिनेशन को तोड़ने पे। इसकी डेफिनेशन है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। क्या है मैं समझा दूंगी, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके दो पॉइंट्स हैं, दो रीजंस हैं, मैं पहले ही बताती चलती हूं ताकि आपके दिमाग में ना एक रोड मैप बन जाए और आपको पता हो कि आपको आगे क्या कैसे पढ़ना है। तो सेक्युलरिज्म, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है रिलीजन और स्टेट का, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके दो रीजंस हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। तो इंडियन सेक्युलरिज्म जो है ये कहां से आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, और ये क्या करने की कोशिश करेगा, तीन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश करेगा, तीन तरीके के डोमिनेशन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा, और वो कैसे करेगा, इसकी तीन स्ट्रैटेजीज हैं। तो तीन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की तीन स्ट्रैटेजीज के बारे में हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है ये पार्ट जहां पर हम बात करेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो बाकी की कंट्रीज से कैसे अलग है, कैसे यूनिक है, या फिर सेम है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद चैप्टर को खत्म कर देंगे, ये। तो चलो यार, स्टार्टिंग में चलते हैं। आई होप आपको मजे आ रहे होंगे, अभी समझने में ही मजे आ रहे होंगे, तो आई होप आप लोगों के लिए जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। अब हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन में स्टार्ट यहां से होता है कि सोचो अगर आप लोग यूएसए में रहने वाले एक ऐसे सिटीजन है जिसके पास सिटीजनशिप तो है, लेकिन क्योंकि आप लोग हिंदू या मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते हैं, उसकी वजह से वहां पर ना आपको घर नहीं मिल रहा है रेंट पर। अगर ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा, गुस्सा आएगा, नाराजगी होगी, होगा ना, नेचुरल है। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि क्रिश्चियंस, तुम लोग हम लोगों को रहने के लिए जगह नहीं दे रहे हो। अच्छा एक मिनट, डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये सारी चीजें ना रिलीजन के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज दिल पर मत लीजिएगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू
सपोर्ट और नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, ये तो सिर्फ कहानी है, कहानी के हिसाब से मुझे जैसे आपको समझाना है समझा रही हूँ। तो आते हैं वापस कहानी पर। क्रिश्चियंस, अगर आप लोगों ने हमको यहाँ पर रहने की जगह नहीं दी तो अब हम लोग सेम तरीके का ट्रीटमेंट करेंगे तब जब आप लोग हमारी कंट्री में आएंगे। तो ये क्या हो सकता है, एक तरीका हो सकता है इस चीज़ के साथ डील करने का। ऐसी जगहों पर जहां पर हिंदू लोग या मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में होंगे वहां पर हम लोग क्रिश्चियंस के साथ सेम रिएक्शन करेंगे। इसे हम कहेंगे रिटेलिएशन, यानी कि जैसे को तैसा, तुमने हमारे साथ ऐसे किया हम भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि यार क्या तरीका है, ये जस्टिस नहीं है ना, गलत बात है, हम लोग भी तो सिटीजंस हैं, हम लोगों को भी तो यहाँ पे रहने का मौका मिलना चाहिए, तो प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, अनजस्ट बिहेवियर मत कीजिए, इसके लिए हम लड़ेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम फाइट करेंगे। तो जब हम लोग जस्टिस के लिए फाइट करेंगे कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस या फिर बिलीव्स, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, द एसेंस, खुशबू ऑफ सेक्युलरिज्म। समझ में आया? तो क्या हिस्ट्री क्या है, हम लोगों को प्रोवाइड करती है, मतलब हिस्ट्री की बुक नहीं पर हिस्ट्री इन जनरल हम लोगों को प्रोवाइड करती है ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ जहां पर हम देखते हैं कि रिलीजन के बेसिस पर एक्चुअली लोग लड़ाई झगड़े करते हैं। मतलब ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है कि यार आप लोग कहोगे मैम रिलीजन ही तो है, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जीने दो जीने दो जीने दो और खुद भी मतलब जी लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग रिलीजन के बेसिस पर बड़े लड़ाई झगड़े करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि हिटलर जो कि दुनिया में इतने खतरनाक थे, उनको बहुत मतलब ऐसे आज तक हिटलर की तरह बोला जाता है यार, मतलब कितना बदनाम कर दिया उन्होंने अपना नाम। तो हिटलर और जर्मनी का एग्जांपल है जहां पर हिटलर क्या चाहते थे, प्योर रेस हो, आर्यन रेस हो, उसके चलते उन्होंने क्या किया, जो जूज थे वहां पे उन लोगों को परसिक्यूट करना स्टार्ट किया। इस पॉइंट पर रुक कर एक सेकेंड पर बताती हूँ, परसिक्यूट का मतलब होता है अत्याचार करना, गैस चेम्बर्स में डाला, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला और बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। अभी क्यों हुआ, रिलीजन के बेसिस पर। फिर हम क्या देखते हैं, जूश ने अपना खुद का स्टेट बनाया इसराइल, इसराइल में क्या हो रहा है, वहां की जो माइनॉरिटीज हैं मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज, उनके साथ वो भी बुरे तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, गलत बात है। फिर हम क्या देखते हैं, सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम्स जो है, वो एक मुस्लिम इस्लामिक नेशन है, वो नॉन मुस्लिम्स जो है उनको अलाउ नहीं किया जाता कि तुम अपने टेम्पल्स नहीं बिल्ड कर सकते, चर्चेस नहीं बिल्ड कर सकते, अपने मतलब अपने रिलीजियस बिलीफ्स और अपने फेथ वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नहीं इस्टेब्लिश कर सकते और उनको पब्लिक प्लेसेस में गैदर होकर प्रेयर्स करना भी अलाउड नहीं है। इस पॉइंट पर आते हैं फर्स्ट चीज पर कि ये रीज़न है कि हम इतना सेक्युलरिज्म को गा रहे हैं, समझ रहे हैं, आइडियल बना रहे हैं हमारे पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। आ जाओ पढ़ते हैं अबाउट व्हाट इज सेक्युलरिज्म। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन करता है फंडामेंटल राइट्स को, जो कि क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द स्टेट पावर। हम लोगों को एज इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि किसी भी तरीके का पावर ऑफ द स्टेट हम लोगों को परेशान ना कर सके, तंग ना कर सके और उसके साथ साथ ना हो टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, टायरनी का मतलब होता है क्रूअल बिहेवियर, अनजस्ट बिहेवियर। तो जो लोग मेजॉरिटी में हैं वो क्रूअल तरीके से ना बिहेव करें, ये भी इंश्योर करता है कौन, हमारा फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अलाउ करता है हम सभी को फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। हर एक व्यक्ति के पास अपनी रिलीजियस बिलीव्स को प्रैक्टिस करने का, उसे समझने का और उसे अपने हिसाब से चलाने का पूरा पूरा राइट है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इंडिविजुअल्स को गारंटी करता है, फ्रीडम देता है। हमारे पास कौन सा है फंडामेंटल राइट, ये आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से, ठीक है। सेक्युलरिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म है स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी ऑफ वॉट, सेपरेटिंग वॉट, द पावर ऑफ द रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन स्टार्टिंग में समझाई थी, याद होगी, रिलीजन यानी कि रिलीजन सबको पता है हमारा धर्म, तो यहां पर पावर ऑफ रिलीजन को अलग कर देंगे पावर ऑफ स्टेट से और इसे हम क्या कहेंगे, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि भाई स्टेट अलग है और रिलीजन अलग है, कहने में कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। ये तो याद हो गई मैम, आगे का चैप्टर ही छोड़ो मत पढ़ाओ, बताती हूँ बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि हम लोगों को ये समझना है इस पॉइंट पर रुककर दूसरे पार्ट में कि ये जो सेपरेशन है इसको करने की जरूरत ही क्या है, रिलीजन को स्टेट से अलग क्यों करना है। दो इंपॉर्टेंट रीजन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्युलरिज्म का कि हम लोगों को रिलीजन को स्टेट से अलग रखना है, पावर ऑफ स्टेट अलग, पावर ऑफ रिलीजन अलग, सेपरेशन। अब हम लोग क्या देखते हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड में एक से ज्यादा रिलीजियस बिलीव्स रखने वाले लोग देखने को मिलते हैं।
अब क्या होता है कि इन्हीं रिलीजियस ग्रुप्स में अगर एक ग्रुप मेजॉरिटी में होगा तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर हम उन्हें स्टेट का पावर दे दें, मतलब अगर हम उन्हें ऑफिशियल पावर दे दें, तो ये ना बहुत इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं उन लोगों के अगेंस्ट जो कि दूसरे रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी कंट्रीज में रहते हैं जहां पर एक टाइम पर एक से ज्यादा रिलीजन्स को एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके का सेक्युलरिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं ला कर देते हैं, मेजॉरिटी वाले ऑफिशियल स्टेट का सारा पावर ले जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे यहां पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए रीजंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये आइडिया ये दिमाग में ये कॉन्टेक्स्ट रखते हुए हम लोग क्या पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के दो रीजंस, कि पहला रीजन है टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, क्रूअल और अनजस्ट बिहेवियर मेजॉरिटी ना करने लग जाए ये जरूरी है, और उसके साथ साथ किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो, ये दोनों चीजों को प्रिवेंट करने के लिए जो कि डिस्क्रिमिनेशन कोअर्शन और उसके साथ साथ किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज में लीड कर सकता है, बहुत जरूरी है पावर को सेपरेट रखना रिलीजन का और स्टेट का। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, कि देखो तुम इस रिलीजन को बिलोंग करते हो तो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। कोअर्शन का क्या मतलब है, फोर्स से या पावर से अपनी किसी भी काम को करवा लेना या फिर अपनी किसी भी चीज के लिए हामी भरवा लेना, कि मतलब अगर मान लो कि किसी के पास पावर आ जाता है, लीगल अथॉरिटी आ जाती है किसी एक रिलीजन के पास, तो वो कोअर्स कर सकते हैं दूसरे रिलीजन्स को। जैसे सऊदी अरेबिया में हमने क्या देखा कि तुम लोग ना पब्लिक प्लेसेस में प्रेयर्स नहीं कर सकते, तो ये कोअर्शन हो गया ना, मतलब हम लोग कोअर्स कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं करना, तुम्हें ऐसे करना है, लीगल अथॉरिटी हमारे पास बताने की। और उसके साथ साथ किलिंग हो सकता है रिलीजियस माइनॉरिटीज का, जो कि हम लोगों ने कहां पे देखा, जूस वाले केस में देखा, हिटलर वाले केस में देखा, जर्मनी वाले केस में देखा। तो ये सारी चीजें ना हो टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी की वजह से, और उसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो, इसीलिए बहुत जरूरी है कि स्टेट का पावर अलग रखें और उसके साथ साथ रिलीजन का पावर अलग रखें। दूसरी चीज है कि हम लोगों को रिलीजन को स्टेट से इसीलिए अलग रखना चाहिए क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स टू एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, एंड द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस या टीचिंग्स डिफरेंटली। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, देखो समझो कि हम लोग समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं, कि स्टेट के पावर को और रिलीजन के पावर को अलग अलग रखना क्यों जरूरी है, क्यों स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होना चाहिए, क्यों स्टेट को एक रिलीजन को नहीं पूरा प्रमोट करना चाहिए। तो इसके ना दो रीजंस हमने पढ़े, अगर हम लोगों ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो मेजॉरिटी में जो लोग हैं दबाने लग जाएंगे, वायलेट करने लग जाएंगे फंडामेंटल राइट्स को। दूसरी जो चीज है वो ये है कि हम लोग ना कॉन्स्टेंटली जब रिलीजन की बात करते हैं तो हमेशा बोलते हैं रिलीजन फॉलो करने के लिए ये चाहिए वो चाहिए ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, लेकिन यार लाइफ में कुछ लोगों को रिलीजन नहीं फॉलो भी करना होता, मतलब हम लोग चाहें तो हम लोग, हो सकता है इंडिविजुअल्स ऐसा चाहें फ्रीडम, कि अगर हम लोग ना चाहें तो हमें अपने रिलीजन से एग्जिट लेने का भी तो मौका मिले, क्योंकि वो तो बाय बर्थ मिल जाता है, किसी की चॉइस तो नहीं होती ना। तो अगर कोई एग्जिट करना चाहे तो वो कर सके, एम्ब्रेस करना चाहे दूसरे रिलीजन को तो वो भी कर सके, और उसके साथ साथ अपने ही रिलीजन की जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग बिलीव्स हैं, उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सके। ये तीनों हमारे राइट्स हैं, और ये तीनों चीजें इंश्योर हो जाए इसके लिए ये सेपरेशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर पावर में चला गया, स्टेट के पास पावर आ गया, तो क्या वो लोगों को अपने रिलीजन को छोड़ के जाने देंगी, क्या वो लोगों को दूसरे रिलीजन फॉलो करने देंगी, क्या वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने देंगी, इंटरप्रेट करने देंगी, नहीं ना। इसीलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे समझो कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी जो थी वो हमारे हिंदू कास्ट सिस्टम का पार्ट थी। हिंदू कास्ट सिस्टम, हमारे पास एक पूरा हमारा वो बना रहता है पिरामिड, उसमें हम क्या देखते हैं, सबसे ऊपर होते हैं ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस, शूद्रस, और उसके बाद आते हैं दलित, यानी कि अनटचेबल्स। तो अब हम क्या देखते हैं, जो अनटचेबल्स थे इनको कैसे ट्रीट किया जाता था, जो लोग ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह को वो करते थे, वॉशरूम्स क्लीन करते थे, उन लोगों को बिल्कुल ऐसे देखा जाता था कि आप लोग इनह्यूमन तरीके से देखा जाता था। अब ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। लेकिन ये तो एक हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस थी, ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा इसीलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर ये एक प्रैक्टिस को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे जो गलत थी, ठीक है, जो फंडामेंटली एक इंडिविजुअल के लिए गलत थी। अब इस सिनेरियो में सोचो कि अगर हमारे पास ऐसे लोग होते पावर में, ऑफिशियली अगर हम लोग एक हिंदू नेशनल स्टेट होते
और अगर हम लोग ऐसा देखते कि जो यहाँ पर पावर में लोग हैं वो इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को सपोर्ट कर रहे होते, तो क्या एज इंडिविजुअल्स चाहे हमें ये बात अनटचेबिलिटी वाली कितनी गलत क्यों ना लग रही हो, हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते? क्या हम इस जगह पर रिफॉर्म लेकर आ सकते? क्या हम अपने रिलीजन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते? नहीं कर सकते ना, क्योंकि स्टेट के पास पावर होता और इंडिविजुअल्स के पास वो पावर नहीं होता। इसीलिए जरूरी है कि स्टेट अलग हो और इंडिविजुअल्स अलग हो। ये हमने इस एग्जांपल से समझ लिया। आते हैं तीसरे पार्ट पे, जो कि है व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा प्यारा सा पार्ट है। देखो इसमें ना दो चीजें लिखी हुई हैं, बहुत जरूरी। पहली चीज है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बहुत ध्यान से सुनना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है, हम एक सेक्युलर स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम लोग सारे रिलीजन्स को इक्वल समझते हैं, सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और उसके साथ साथ हम लोग हर एक इंसान को ये फ्रीडम देते हैं कि आप जैसे चाहें वैसे अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी सेक्युलरिज्म की कई सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से जो हमने अभी तक समझा है, इंडियन स्टेट सेक्युलर है, यानी कि स्टेट अलग है और रिलीजन अलग है, दोनों मिक्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक सेक्युलर स्टेट ही कुछ ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम सेक्युलर स्टेट हैं, सिर्फ एक सेक्युलर स्टेट ही कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो कि 3 है नंबर, उनको रियलाइज कर सकता है। अब क्या है वो? सबसे पहला है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे, दबाए ना, दबाव ना डाले उन पर किसी भी तरीके का। ओ तुम दूसरे रिलीजन के हो, हम लोग तुम लोगों को कोई काम नहीं करने देंगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऑफिसेज में नहीं आ सकते, तुम स्कूल्स में नहीं आने देंगे, ऐसे वैसे फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करने देंगे। एक अलग कम्युनिटी ए रिलीजन बी रिलीजन को डोमिनेट ना कर सके। दूसरा रीजन ये है कि हम लोग सेम ही मेंबर्स, मतलब एक ही कम्युनिटी, एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स आपस में ही एक दूसरे को डोमिनेट ना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम रिलीजियस कम्युनिटी के लोग आपस में एक दूसरे को डोमिनेट ना करें। तीसरा क्या है कि जो स्टेट है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स ना करे, और उसके साथ साथ ये ना कहे कि अब बाकी के जो रिलीजन्स हैं, बाकी के जो इंडिविजुअल्स हैं, उनसे उनका रिलीजियस फ्रीडम छीन लिया जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें हैं जो कि कौन रियलाइज करेगा, एक सेक्युलर स्टेट। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। अब इन तीनों इंडिविजुअल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम तीन स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ डोमिनेशन। दो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज का डोमिनेशन, एक ही कम्युनिटी के अंदर जो डोमिनेशन हो रहा है वो वाला डोमिनेशन, या फिर स्टेट के द्वारा किया जाने वाला डोमिनेशन, किसी भी तरीके का डोमिनेशन ना हो, इसके लिए हम तीन स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंस, वन आर्म डिस्टेंस, हम दूर दूर खड़े रहेंगे, यानी कि स्टेट अलग और रिलीजन अलग। ये क्या कहता है कि जो इंडियन स्टेट है इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप, कोई रिलीजियस ग्रुप इंडियन स्टेट को रूल नहीं कर रहा है, ना ही ये सपोर्ट करता है किसी एक रिलीजियस ग्रुप को। इसका एग्जाम्पल हमने कैसे देखा था, एक स्टोरी बोर्ड है हमारे पास जिसमें हमने ये देखा था कि जो स्कूल है उसमें एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस रखना है, स्कूल अलग है, एक गवर्नमेंट ऑफिस, एक गवर्नमेंट इंडिविजुअल, एक गवर्नमेंट स्पेस अलग है, और उसके साथ साथ रिलीजन अलग है, तो डिस्टेंस मेंटेन्ड है। दूसरा है स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले स्टोरी बोर्ड में हमने क्या देखा था, एक एग्जाम्पल था जहां पर हेलमेट्स की बात हो रही थी। तो एक सिख इंसान है जिनको हेलमेट पहनने के लिए उनके दोस्त कह रहे हैं, और वो क्या कहते हैं कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे फाइन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे रिलीजियस प्रैक्टिस के हिसाब से मेरे लिए पग पहनना, टर्बन पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं अगर हेलमेट ना भी पहनूं तो मुझ पर फाइन नहीं लगेगा। नॉन इंटरफेरेंस, आप जिस तरीके से चाहते हैं अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस बिलीव्स को प्रैक्टिस कीजिए, इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। तो क्या है इसका मतलब कि दिस मीन्स दैट टू रिस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे और इसके साथ साथ सबके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। तीसरा है स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। देखो मैं ना बहुत मजे से पढ़ाती हूँ एक चीज, ये है एक वन आर्म डिस्टेंस। जब हम लोग कहते हैं नॉन इंटरफेरेंस, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा देख रहे होते हैं लेकिन हम कुछ करते नहीं है, मतलब गुड गुड गुड,
ये तरीके का नॉन इंटरफेरेंस है। फिर क्या है? इंटरवेंशन। जब हम कहते हैं एक सेकेंड, ये कैसे कर रहे हो यार, ये नहीं कर सकते तुम, ये तो स्टेट को बताना पड़ेगा कैसे करना है। तो यहाँ पर है स्टेट स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। इसमें हम क्या देखते हैं, इसका एग्जांपल हमने देखा था ऑफ, हमारा फेवरेट एग्जांपल जो बार बार ले रहे हैं हम, ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एक रिलीजियस प्रैक्टिस थी, लेकिन वो क्या थी, इनह्यूमन हो रही थी, मतलब फंडामेंटल राइट को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। इस पॉइंट पर क्या हुआ, स्टेट ने इंटरवीन किया कि यार ये नहीं कर सकते तुम। हम क्या देखते हैं, इन दिस वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अनटचेबिलिटी, जहां पर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन जो कि अपर कास्ट हिंदूज थे इस एग्जांपल के हिसाब से, डोमिनेट कर रहे थे लोअर कास्ट को जो कि उसी हिंदू की कम्युनिटीज को ही बिलोंग करते थे। इस तरीके के रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए लोअर कास्ट्स को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, बैन कर दिया अनटचेबिलिटी को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है राइट्स टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस आल्सो। फंडामेंटल राइट्स की हम बार बार बात कर रहे हैं, वायलेशन की, ये की, वो की, मैं बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें तीन फंडामेंटल राइट्स हैं, आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बता रही हूँ। राइट टू इक्वालिटी जो है वो क्या इंश्योर करता है, कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सबको, सब इक्वल है लॉ के सामने, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, क्लास, क्रीड, सब के बेसिस पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इंडिविजुअल हैं, आप सिटीजन हैं, आप इंपॉर्टेंट हैं। तो राइट किसके लिए है, इक्वालिटी के लिए, सब इक्वल हैं। तो ये एक इसको मतलब सेक्युलर स्टेट को बनाने में मदद करता है। दूसरा क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमारे पास, कि हम लोग जैसे चाहें अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपगेट कर सकते हैं, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, बिलीव्स को अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दूसरा राइट है। तीसरा राइट क्या है हमारे पास, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, यानी कि कल्चरल रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं उनके पास ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकती हैं अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आती हैं। तीन स्ट्रैटेजीज फुलफिल करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, टू प्रिवेंट डोमिनेशन, जो तीन तरीके का हो सकता है। ये है हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, तीन तरीके का डोमिनेशन, तीन स्ट्रैटेजीज। फिर क्या पढ़ रहे हैं हम, कि इंडियन सेक्युलरिज्म बाकी की कंट्रीज से क्या अलग है, अगर है तो कैसे है। हम लोगों ने इसमें सबसे पहले ये समझना है कि यूएस में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यूएस का फर्स्ट वो आता है, अमेंडमेंट आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके हिसाब से वो प्रोहिबिट करता है लेजिस्लेचर को, लॉ मेकिंग बॉडी को, कि वो इस तरीके के लॉज नहीं बना सकती हैं जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन को, या फिर प्रोहिबिट कर रहे हैं फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन को। दो चीजें हैं, एक को स्पेसिफिकली रिस्पेक्ट करना और दूसरा है कि किसी को अपना कोई रिलीजन प्रैक्टिस करने से रोकना। अब यहाँ पर वर्ड इस्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब है, क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चर्च बना हुआ है तो उसको रिस्पेक्ट मत करना? नहीं, ऐसा नहीं है इसका मतलब। क्या मतलब है इसका, कि लेजिस्लेचर जो है वो ये नहीं डिक्लेयर कर सकता कि कोई भी रिलीजन जो है वो ऑफिशियल रिलीजन है कंट्री का, ना ही ये क्या कर सकते हैं, किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम लोग रिलीजन्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक एस्टैब्लिशमेंट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ मतलब सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे हम, ना ही उसे ऑफिशियल बनाएंगे और ना ही ये कहेंगे कि हम लोग तुम्हें प्रेफरेंस दे रहे हैं, तुम बहुत अच्छे रिलीजन हो, तुम बढ़िया, तुम्हें रेफरेंस देंगे, तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। अब यूएसए में ये जो सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन के बीच में, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, मतलब इसको बहुत बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। क्या है इसका मतलब, रिलीजन अलग और स्टेट अलग, बहुत स्ट्रिक्टली। ये क्या कहते हैं कि ना ही हम तुम्हारे मुद्दों में बात करेंगे, ना ही तुम हमारे मुद्दों में बात करना। जैसे हम तो अनटचेबिलिटी में बीच में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, तुम नहीं कर सकते हो, ये नहीं करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन किया है हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कि हम लोग अबॉलिश कर सकें अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस को। लेकिन यूएस में हम क्या देखते हैं, बिल्कुल नॉन इंटरफेरेंस है, स्ट्रिक्ट डिविजन है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये ना एक इमेज दी हुई थी जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि यूएस में एक प्लेज ली जाती है, प्लेज ऑफ एलिजेंस, उसमें एक फ्रेज आता है अंडर गॉड।
अंडर गॉड का क्या मतलब है, गॉड आ गए, रिलीजन आ गया कहीं ना कहीं से, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुई है, काफ़ी बातें हुई हैं कि ये तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से नहीं है, मतलब सिंक में नहीं है, तो अलग हो रहा है, कैसे स्टेट अलग है, कैसे रिलीजन अलग है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑप्शन दिया जाता है कि अगर किसी की प्रैक्टिस से कॉन्ट्रडिक्टरी है तो आप ये प्लेज ऑफ एलिजेंस पहले मत लीजिए। तो ये एक कहानी थी जो उसमें दी हुई थी, तो मैंने सोचा सुना दूँ। ठीक है, अब इंडियन सेक्युलरिज्म क्या बोल रहे हैं कि स्टेट, ऑल दो हम लोग क्या है, हम भी डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ यूएस ही सेलिब्रेट कर रहा है ना, और तुम अलग हम अलग, तो हम लोग भी अलग रहते हैं, मतलब डिस्टेंस रखते हैं, हम नॉन इंटरफेयर भी करते हैं, मुझे मैंने बताया था, थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन हम स्ट्रिक्टली सेपरेटेड नहीं है रिलीजन से। इसका क्या मतलब है कि हम लोग ना प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, प्रिंसिपल्स के मुताबिक कुछ सॉर्टेड रूल्स के हिसाब से दूरी बनाए रखते हैं। क्या है वो दूरी करने का, मतलब दूरियां तोड़ने का, दूरियां कम करने का क्या रीजन हो सकता है? ये तब कर सकता है इंटरफेरेंस इन रिलीजन जब स्टेट को लगता है कि कोई भी वायलेशन हो रहा है या कोई भी बात जो है वो आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग इंटरफेयर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इंटरवीन करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी है, इंडियन सेक्युलरिज्म अलग है, लेकिन सिर्फ तब करेंगे कब, जब हम लोग प्रिंसिपल डिस्टेंस के हिसाब से ये देखेंगे कि आइडियल्स जो लेड आउट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हिसाब से ही हम लोग इंटरफेरेंस करेंगे, नहीं तो हमें रिलीजन से इंटरफेयर नहीं करना है। इंडियन स्टेट सेक्युलर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स को जो कि सेक्युलर प्रिंसिपल्स पर दिए हुए हैं, जो मैंने आपको बताया, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो ये भी हमारे पास गिवन है। इसके अलावा हमारे पास एक बॉक्स में कहानी दी हुई है, अब ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मतलब अगर आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो आपको समझ में आएगा इंटरेस्टिंग है, वैसे तो बड़ी दुखदायी कहानी है, लेकिन ये हमारी जो दूसरी वाली स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, उसको समझा रही है। इससे पहले वाला एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वाली जो स्ट्रैटेजी हम उसको फॉलो कर रहे हैं लेकिन स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं कर रहे हैं यूएस की तरह, हम उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन भी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस एग्जांपल पे हम लोग वो वाली स्ट्रैटेजी देखेंगे, स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अब फ्रांस में 2004 फरवरी में एक लॉ पास होता है जहाँ पर बच्चों को ऊपर बैन लगा दी जाती है, किस चीज़ की, कि आप लोग ना कुछ भी ऐसी चीज़ जो कॉन्स्पिक्वस यानी कि विजिबली आपके पॉलिटिकल या फिर आपके रिलीजियस साइंस या सिंबल्स को डिनोट कर रही है, आप वो पहनकर स्कूल नहीं आ सकते हैं, जैसे कि इस्लामिक हेडस्कार्फ या फिर जूश स्कल कैप या फिर जो क्रिश्चियन लोग क्रॉसेस पहन रहे हैं, ये सब चीज़ें पहनकर आप लोग स्कूल्स में नहीं आ सकते हैं, बैन लगा दिया जाता है। अब ये जो लॉ है इसके अगेंस्ट ना लोगों ने बड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, मतलब बड़ी बढ़ चढ़ के लड़ाइयाँ करी, क्योंकि ये ना इमिग्रेंट्स के बच्चों को काफ़ी अफेक्ट कर रहे थे। अब ये इमिग्रेंट्स कौन थे, इमिग्रेंट्स ये वो लोग थे जो आए थे फ्रेंच कॉलोनीज से, फ्रेंच की, जैसे हम लोग इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थे वैसे फ्रेंच की भी कई सारी कॉलोनीज थी, उसमें अगर हम लोग कंट्रीज़ की बात करें तो अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, ये कंट्रीज़ थी, यहाँ से जो ये फ्रेंच कॉलोनीज थी यहाँ से कुछ इमिग्रेंट्स आए थे। कब, 1960s में फ्रांस ने क्या कहा कि यार हमारे पास ना वर्कर्स नहीं है यार काम करने के लिए, तो एक काम करो तुम लोग आ जाओ, इन जो कॉलोनीज के लोग हैं हम तुमको वीज़ा दे देंगे, तुम आ जाओ यार प्लीज़ हमारे यहाँ काम कर दो। अब ये लोग बेचारे आ गए काम करने के लिए, और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि इन लोगों को अब ये बोला जा रहा है कि भैया तुम्हारा ना रिलीजन थोड़ा ऐसे फॉलो नहीं कर सकते तुम, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस वाले बच्चों को ना हम लोग स्कूल में नहीं आने देंगे। और हम क्या देखते हैं कि इस न्यू लॉ के पास होने के बाद वो बच्चे जो हेडस्कार्फ्स वगैरह पहनकर गए स्कूल में, उन्हें एक्सपेल कर दिया गया स्कूल से। तो कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी। यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे, स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस की। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या करता है, इंडियन सेक्युलरिज्म नॉन इंटरफेरेंस में भी बिलीव करता है। अच्छा ठीक है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, हम समझते हैं, लेकिन अगर आपके लिए पग पहनना बहुत बहुत ज़रूरी है तो हम वो भी समझते हैं। आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस को, आपकी रिलीजियस बिलीफ के लिए अगर कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है तो उसमें हमारा स्टेट इंटरफेयर नहीं करता। ये दोनों एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं कि हमारा इंडियन स्टेट अलग है, यूनिक है, और इंडियन सेक्युलरिज्म भी अलग है। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। बहुत ज़रूरी है सेक्युलरिज्म को समझना, क्योंकि अगर हम लोगों को लगता है कि हमारे पास राइट्स हैं, रूल्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्ट्रैटेजीज हैं, तो हमारे यहाँ तो वायलेशन कुछ हो ही नहीं सकता,
तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बार बार इस तरीके के वायलेशंस होते हैं, बार बार खुद को याद दिलाना ज़रूरी है कि हमारे पास राइट्स हैं, हम सबके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हम सबके पास भिन्न भिन्न प्रकार के राइट्स हैं, हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंश्योर करता है कि हम लोग जैसे चाहें सेक्युलरिज्म के हिसाब के उसके दायरे में रहकर किसी आइडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करते हुए आराम से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये राइट है हमारे पास। आसपास में अगर कभी ऐसे वायलेशंस होते हुए देखेंगे तो इस नॉलेज से आपको अवेयरनेस मिलेगी और उसके बाद आप लोग आवाज़ भी उठा पाएंगे क्योंकि आपको पता होगा। इसीलिए कहती हूँ कि सोशल साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सोशल साइंस को सरल बनाने के लिए ई सरल तो है ही, तो ई सरल है तो सब सरल है। अपना ध्यान रखिए, सोशल साइंस पढ़ते रहिए और सोशल साइंस से ही प्यार कर लीजिए। थैंक यू सो मच।